दोस्तों, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, जरा एक पत्थर तो उछालो यारो। जी हाँ, कुछ इसी तरह का बलिया के लाल ने उस असंभव चीज को संभव में करके दिखाया है, और बागी बलिया हमेशा सदियों से किसी न किसी मामले में प्रसिद्ध रहा है। आज हम उसी बलिया के धरती पर हैं, और आपको बता दें कि रवि शेखर यादव जो हैं, आप देखिए इस वीडियो को, आपने बहुत पहले भी देखा होगा, बहुत लोगों ने दिखाया होगा, और ये देखिए इलेक्ट्रिक बाइक है, और हमारे सामने नन्हे से कलाकार जो हैं, इन्होंने इस चीज़ को संभव करके कैसे दिखाया हुआ है और बनाया है, आज हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। तो आइए कुछ पहले इनसे हम जानेंगे, उससे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। आपका नाम क्या है बाबू? जी मेरा नाम रवि शेखर यादव है। अच्छा, ये आपके अंदर कहाँ से प्रेरणा आई रवि जी? जी इसको इसकी जो प्रेरणा आई स्टार्टिंग में जब हम लोग दूर जाते थे जी, तो बहुत प्रॉब्लम होता था जाने आने में। हाँ, पेट्रोल ईंधन जो आज इतने महंगाई जो हो गए हैं, पेट्रोल से लेकर के डीजल जो भी गाड़ियां हैं उसके लिए, और खास तौर से पर्यावरण के लिए भी ये सेहतमंद है। सबको देखते हुए और मतलब ये सबसे अच्छा है, ये आइडिया सबसे अच्छा है कि आसानी से हम लोग स्कूल जा सके तो बिना हो और कोई खर्च भी ना लगे। तो यही सब देखते हुए मन में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम लोग को आसान हो जाए जाना आना, और पर्यावरण भी अच्छा हो और किसी के लिए मतलब कोई प्रॉब्लम भी ना हो, एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं। अच्छा, ये बैटरी से, फुल बैटरी से ही मतलब चलता है? पूरा कंट्रोल बैटरी से ही होता है। ये क्या, जब जैसे चार्ज अगर एक बार, कितना समय लगता होगा इसको चार्ज करने के लिए? घंटा लगता है चार्ज करने में, सिर्फ दो से ढाई घंटे? दो से ढाई घंटे। अगर दो से ढाई घंटे में कितने मतलब ये चलेगा? जितना मतलब 100 किलोमीटर वाला रेंज अगर कोई कस्टमर लिया रहेगा तो 100 किलोमीटर चलेगा। अच्छा, मतलब क्या इसमें क्या चीज़ है, 100 किलोमीटर अगर हमें जाना है तो क्या करना पड़ेगा ये मुझे बताइए। केवल चार्ज कीजिए जाइए। नहीं, चार्ज करिए जाइए तो इसमें बैटरी लगी होगी तो उसकी कुछ कैपेसिटी भी होती होगी, जैसे 50 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक में ये मिलता है, बनाते हैं हम लोग। अच्छा, 50 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक जाया जा सकता है। हाँ, तो उसका क्या खर्चा आएगा बैटरी का? देखिए 50 से 60 किलोमीटर के लिए करीब गाड़ी 55,000 की पड़ जाती है टोटल। हाँ, और उसका तो ज़्यादा हो जाता है, करीब 80-85 हज़ार। 80-85 हज़ार रुपये में मतलब बंद करके 150 किलोमीटर के लिए तैयार हो जाएगी। तो एक बार मतलब ये बनकर जब तैयार हो जाएगी तो कितना चलेगा कम से कम, लम से कम मतलब अगर 100 किलोमीटर के लिए बनाए रहेंगे तो 100 किलोमीटर चलेगा? नहीं तो 100 किलोमीटर जैसे बैटरी का कुछ लाइफ भी तो होता होगा? हाँ, बैटरी का लाइफ है 3 साल, वारंटी हम लोग देते हैं, और लाइफ है 6-7 साल। अच्छा, लाइफ है 6-7 साल? हाँ, 6 साल से 7 साल तक। हाँ, 3 साल की वारंटी भी? 3 साल की वारंटी भी देते हैं। वारंटी उसमें अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ अगर कुछ दिक्कत परेशान हुआ तो आप उसको सही कर देंगे, अगर दिक्कत ज्यादा रहेगा तो बदल भी सकते हैं? हाँ, बदल भी सकते हैं। तो ये चल सकती है क्या? हाँ जी चलेगी। तो इसको चला कर जरा दिखाइए, देखिए ये चला करके दिखा रहे हैं अभी, और हम भी दिखाएंगे, और सामने उधर भी गाड़ियां हैं, उधर भी बच्चे बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं बैठ करके उस भी बैटरी गाड़ी पर। और ये हम हैं इस समय रवि शेखर यादव के घर पे, और देखिए वो उधर गाड़ी ले करके गए हैं, और किन परिस्थितियों में ये नन्हे से बालक जो हैं अभी मात्र 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और ले करके इसको चला रहे हैं। तो दोस्तों, और भी कुछ हम जानकारी इनसे लेना चाहेंगे। रवि जी ये बताइए, और आप क्या करते हैं इसके सिवा, क्या क्या चीज़ आप करते हैं घर पे? अभी पढ़ाई चल रहा है। हाँ, और ये जो हमारा काम है ये चल रहा है। हाँ, और इसके अलावा जो करता काम होता है। पढ़ाई पढ़ाई में क्या करते हैं आप? अभी 10th का एग्जाम देना है हमको। अच्छा, मैट्रिकुलेशन 10वीं का? 10वीं में मतलब परीक्षा अभी देंगे बोर्ड का? हाँ। कहाँ पढ़ाई करते हैं? रसड़ा है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, टाउन है। अच्छा, इसमें ये चीज़ जरा दिखाइए, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे भैया ये जरा दिखाइए, ये क्या दिखाता है, किलोमीटर है क्या चीज़ है? यहाँ किलोमीटर, वोल्टेज,
अच्छा वोल्टेज भी इसमें दिखाएगा और बैटरी का कितना चार्जिंग है, कितना चार्जिंग है वो भी शो कर रहा है। अच्छा किलोमीटर भी दिखाएगा कि गाड़ी कितना किलोमीटर गया, तो चलने के बाद यहाँ किलोमीटर दिखाता है, स्पीड भी यही दिखाता है। अच्छा स्पीड भी यही दिखाएगा, चलने में दिखाएगा। क्या इसमें सेल्फ है कि सेल्फ से कैसे चालू होता है? इलेक्ट्रिक में ये होता मतलब है कि इसका स्विच ऑन, मतलब कि वो चालू और ये रेडी है इसको। अच्छा इसका चलने इसका का नहीं ठीक है, बस चलते जाइए, हम भी चला कर देख ले क्या, एकदम आसानी। चलिए तो हमें भी दिखाइए जरा, मैं भी चला करके देख लूँ दोस्तों कैसा ये चलता है। और रवि जी आज माइक पकड़ेंगे और इसको मैं देखूं, मजा आ रहा है। वाह साकर तो इसका तगड़ा है, दो लोग जा सकते हैं, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। बैक नहीं होता क्या? होता है लेकिन ये बड़ी है ना, तो अगर बैक करेंगे तो कोई भी गिर जाएगा, इसलिए बैक का ऑप्शन नहीं रखे हैं अभी। इसके अंदर है लेकिन उसे ऑन नहीं किया गया है। हाँ। देखिए नहीं तो बड़ी है और पैर सबका बड़ा होता नहीं है। अभी कोई भी मैं पहली बार चला रहा हूँ इसको, रवि जी ने बनाया है धीरे धीरे और इस तरीका से है। काफी ये मजबूत है, इसमें साकर जो है इसका स्पंज कर रहा है और इसकी स्पीड यानी पिकअप जो गति जो है पकड़ रही है। और इसमें क्या है देख रहे हैं हम कि फटाक से जैसे किसी चीज़ में स्पीड होता है तो उस तरह से पकड़ रहा है। और ये कम से कम 40 किलोमीटर की स्पीड घंटे में चलेगी इसकी। वाह 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 वाह, ये है भैया बागी बलिया। और बलिया के लाल ने इस चीज को संभव कर दिखाया है। बहुत सी गाड़ी है यहाँ पर और इन्होंने बनाया है। और देखिए वहाँ पर एक बार कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से, देखिए एक साइकिल भी है वहाँ पर पड़ी हुई है, उसको भी वो बना रहे थे। हम लोग ढूंढते ढूंढते इनके पास आ गए। अच्छा रवि जी ये बताइए मुझे, आपको ये सब जो करना है आपको इसी क्षेत्र में भी जाना है क्या? मतलब ये तो साइड का चीज है, जैसे अच्छा। लोग बच्चे खेलते हैं जी, और मैं खेलना ही समझ के ये सब करता हूँ। अच्छा खेलना ही समझ करके। हाँ। एडिशन जैसा, जैसे एडिशन बचपन में हाँ। थे तो एक्सपीरियंस वो करते गए करते गए, तो आपने इस तरह से आविष्कार कर दिया। हाँ, अभी बहुत कुछ करना है। हाँ। अभी बहुत सारे ये EVZ लिखा है जो गाड़ी पर, ये क्या आपने अपने से नाम दिया है? इसका क्या, इसका क्या नाम? इसी के अंतर्गत हम काम करते हैं सारा। अच्छा इसी के अंतर्गत मतलब एक नाम रख दिए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन, मतलब अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन। हाँ मतलब इसमें किसी भी मतलब A to Z किसी भी प्रकार की गाड़ियों को कस्टमाइज किया जाता है, नॉर्मल से इलेक्ट्रिक में, पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक बाइक में। अच्छा तो आप जैसे बनाना होगा, कार वार भी बनाना अगर रहेगा तो बना सकते हैं क्या? पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिक कार में भी कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा पेट्रोल कार को अपना नया चाहिए तो नया भी मिल जाएगा। अच्छा पेट्रोल कार रहेगा तो उसको इलेक्ट्रिक में, पेट्रोल बाइक रहेगी उसको इलेक्ट्रिक बाइक में बना सकते हैं क्या? बना ये जो हमारी बाइक है इसमें मतलब बना सकते हैं एकदम आसानी से, ये इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या करना पड़ेगा आपको इसमें? इंजन देखिए दो तरह का होता है, एक हाइब्रिड होता है और एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक होता है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक में इंजन हटाना पड़ता है, हाइब्रिड में दोनों रहता है। अच्छा मतलब हाइब्रिड में दोनों रहेगा, पेट्रोल का भी रहेगा, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों रहेगा, ऐसा संभव है? संभव। तो मतलब अगर हम बाइक में भी पेट्रोल से चलाना चाहें तो पेट्रोल से भी चल जाएगा और इलेक्ट्रिक से भी चल जाएगा। चल जाएगा, क्या बात है, सच में सच में कह रहे हैं ना। और इस हमारी जो बाइक है भैया, जरा कैमरा पर्सन से कहेंगे उधर जरा दिखा दो, ये जो हमारी बाइक है इसमें बैटरी भी और पेट्रोल से दोनों से चल जाएगा? दोनों से, हाइब्रिड में वही होता ही है कि पीछे मोटर हम लोग लगा देंगे, उसके इंजन से भी चलेगा, इंजन से भी चलेगा। कितना खर्चा आएगा इसको खत्म होने में? इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक खत्म होने में, पेट्रोल से, दोनों में से कोई ऑप्शन तो चालू रहेगा ही हमेशा। देखिए भैया ये गट्स के साथ कह रहे हैं, और आज के जमाने में जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की महामारी और महंगाई इतनी हो गई है, इस लाल ने उस असंभव चीज को संभव में करके परिवर्तित कर दिखाया है कि मात्र कैसे
एक रुपए में 10 किलोमीटर तक जाया जा सकता है। एक रुपए में सोचिए 10 किलोमीटर आज के जमाने में ये असंभव ही चीज लग रहा है। और हमारी बाइक को इन्होंने बताया कि भैया आप उसमें बैटरी या पेट्रोल से तो चलती ही है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि मैं बैटरी का भी सिस्टम सेट कर सकता हूं, ताकि मतलब अगर पेट्रोल बाई चांस ख़त्म हो जाएगा तो ये बैटरी पर भी जाएगा। तो बैटरी से 100 किलोमीटर तक अगर हम जाना चाहें तो इसमें हो जाएगा, जा सकते हैं एकदम आसानी से। 100 किलोमीटर के लिए कितना खर्च आएगा इसमें? खर्च करीब हाइब्रिड में ज़्यादा आता है, नॉर्मल में कम आता है। कितना खर्च आ जाएगा नॉर्मल में? खर्च वही आ जाएगा 100 किलोमीटर के लिए 50,000 करीब। मतलब 50,000 रुपया लग जाएगा, तो कुल मिलाकर 7 साल तक तो हमें एकदम फ्री रहेगा ना, फ्री रहना है। तो अगर 100 किलोमीटर एक बार हम चलेंगे, आप बाई चांस अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो पेट्रोल से स्टार्ट करते नहीं, वो तो हो जाएगा, लेकिन कितने देर में फिर वो चार्ज होगी? वही 3 से 3.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। बड़ी 3.5 घंटे बाद फिर 100 किलोमीटर जा सकता है। तो अगर आप कहीं 100 किलोमीटर जाने के बाद आधा से 1 घंटा 1.5 घंटे रेस्ट लेंगे, और रेस्ट लेने में ही आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी, और चार्ज होने के बाद फिर 100 किलोमीटर जा सकते हैं, तो आपका बचत ही बचत है। तो ये बताइए, आप इस धंधे को आगे बढ़ाएंगे ही तो आपको क्या समस्या आपके सामने, कुछ अर्थ के लिए क्या दिक्कत परेशानी होती होगी? वही बस आर्थिक स्थिति उतना सही नहीं है कि मतलब लेवल को चेंज कर पाए। अब धीरे धीरे काम करते जाएंगे, अब अपने दम पे चेंज करना पड़ेगा। ऐसे सपोर्ट कोई मिलता नहीं है, मतलब घर के अलावा मतलब और कहीं से सपोर्ट मिलता नहीं कि आगे आसानी से बढ़ सके। देखिए दोस्तों, सरकार युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराने की बात करती है और मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जिस प्रकार से इस बलिया के लाल ने मेहनत किया है, अगर इस तरह से इन बच्चों का सरकार अगर हौसला बढ़ाए तो जरूर ही ऐसे बच्चे देश के नाम रोशन करेंगे। खर जी अपना पूरा परिचय बताएं क्या है? जी मेरा परिचय, सबसे पहले नाम मेरा रवि शेखर यादव है, और जो मेरा विलेज है, ग्राम है, गौरा पड़ता है, चिलकार ब्लॉक में पड़ता है, तहसील रसड़ा पड़ता है, और जिला बलिया पड़ता है यूपी में। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इतना कि आज इस लाल को आप लोग आगे बढ़ा सके। धन्यवाद दोस्तों, RAR24 न्यूज में आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। आपका राजन ओझा, धन्यवाद।